कभी लोगों को बोलते हैं मैं टोल हटा रही हूँ, कभी बोलता शिफ्ट कर रही हूँ, कभी बोलता पैसा कम कर रही हूँ, कभी मैं ये कर रही हूँ, कभी मैं कर रही। अरे कुछ तो कर, कुछ भी नहीं कर रहे। वो तो सोनम बिल्डर ने मीरा भाईंदर वासियों की संडास की जमीन भी खा गए क्या? पिछले दिनों एक मर्डर हुआ था मीरा रोड के अंदर, गीता सोसाइटी के अंदर, वो भी फ्लैट यूएलसी का था, जो आपको अधिकार नहीं था, आप पे एक्चुअली क्रिमिनल केस फाइल होना चाहिए। सरकारी फ्लैट आपने भाड़े पे कैसे दिया, लेकिन आपने पुलिस को दबा के मैनेज करके उस केस को दबाया। वो सरकार का फ्लैट था, मैं बोलता नहीं हूँ इसलिए कुछ बोलना नहीं, और मैंने पहले ही आपको कहा था कि फटे में टांग अड़ाना नहीं आता। आपने जितने पोल लगा के फोटो लगाए ना आपके बड़े बड़े लाइट वाले, वो पोल की कीमत उसी कंपनी में आप पूछ लीजिएगा, शायद आपको तो इतनी भी नॉलेज नहीं होगी। उसी कंपनी में फ़ोन करके पूछिएगा सोनम बिल्डर के नाम से, बोलेगा 5,90,000 और आपने 13-13 लाख में लगाए। मतलब एक एक पोल के अंदर 70% भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचारी नहीं, महाभ्रष्टाचार भी छोटा होगा, बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार आपने किया। तो आपके स्कैम बहुत सारे हैं, मैं आके बताऊंगा। ये 22 करोड़ का मेट्रो करोड़ जो भूमि पूजन किया था, किसने लिया, पैसा किसने लिया, कहाँ पहुँचा है, सब पता है। देखिए, जिस व्यक्ति की वजह से ये रोड़ा बना हुआ है, उनका नाम जान के, यानी कि ये 7-Eleven कंपनी का प्राइवेट रोड है और उसकी वजह से वो एक छोटे से रोड के लिए अगर पूरे शहर को प्यासा रखते हैं, तो मैं इस बात का तीव्र निषेध करती हूँ। आपके संज्ञान में होगा कि ये जो सूर्या प्रकल्प है, उसका उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने किया था। क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि वो जिनको नेता मानते हैं उनके भी किए गए उद्घाटन में ये रोड़ा डालते हैं? शहर का तो बहुत अहम प्रश्न है, यानी हर बार हम वायदा करते हैं, एज अ पॉलिटिकल लीडर उन्होंने भी बहुत वायदे किए कि पानी में इतने समय में ला दूंगा, इस तरह से हो जाएगा। क्या कभी उन्होंने लोगों को ये बताया कि ये छोटा सा मेरा ज़मीन का टुकड़ा है, उधर से मैं काम नहीं होने दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग प्यासे हैं? देखिए, मैं धन्यवाद उल्टे उन प्राइवेट लैंड ओनर हैं उनका करना चाहूँगी, शहर की तरफ से एज अ हम दोनों विधायक हैं उनकी तरफ से, कि उनकी प्राइवेट लैंड से उन्होंने ये मानवता दिखाई कि आप यस हमारा रास्ता यूज़ करिए और यहाँ ये टांकी बनवाइए। लेकिन क्या शहर के नेता होने के नाते ये फ़र्ज़ उनका नहीं है? मैं ये पूछना चाहती हूँ, शहर की जनता की तरफ से पूछना चाहती हूँ, हमारे हम दोनों यहाँ विधायक हैं उनकी तरफ से पूछना चाहती हूँ, हमारे माननीय आज के उप मुख्यमंत्री और तब के मुख्यमंत्री जिन्होंने इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था, उन तक हम ज़रूर ये बात पहुँचाएंगे कि आपके किए उद्घाटन में अगर आपके ही पार्टी से कोई एक नेता इस तरह से रुकावट डालता है, तो क्या ये आपका काम नहीं है कि आप उनको रास्ते पे लाएं? मैडम, उनके पार्टी के नेता का नाम क्या है वो तो बता। मैंने पहले ही नाम लिया, 7-Eleven कंपनी मालिक के नाम बता दीजिए ना मैडम, उसमें तो विनोद मेहता का भी नाम बता दीजिए। देखिए सर, ऐसा है कि 7-Eleven कंपनी के नाम पे है, उसके बाद ऑफिशियली उनका नाम कितने परसेंटेज पे है वो कागज़ पे कुछ और बोलता है। सबको पता है कि वो 7-Eleven कंपनी यानी कौन, अब वो कागज़ पे किसी को भी बता दे कि कौन है कौन नहीं, तो हमें भी हमारी मर्यादा रखनी पड़ती है। कभी लोगों को बोलते हैं मैं टोल हटा रही हूँ, कभी बोलता शिफ्ट कर रही हूँ, कभी बोलता पैसा कम कर रही हूँ, कभी मैं ये कर रही हूँ, कभी मैं कर रही। अरे कुछ तो कर, कुछ भी नहीं कर रहे। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को मिलेगा तो मेरा भी एक संदेश जरा आप प्यार से दीजिएगा, कि आप कह रहे कि मैं बात रखूंगी, रखिए, मुझे भी बुलाइएगा। लेकिन एक हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा एक विकासक है सोनम बिल्डर, इसका नाम तो शायद आपने सुना होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। वो सोनम बिल्डर ने मीरा भाईंदर वासियों की संडास की जमीन भी खा गए क्या? संडास की जमीन, वो क्या? तो आपके प्रोजेक्ट में इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको मलमूत्र के लिए STP प्लांट बनाया था, आपने बनाया भी था, लेकिन जैसे ही आप पद पे आई, आपने रातों रात छुपे छुपे, कॉरपोरेशन का कोई परमिशन नहीं, कुछ नहीं, उसको सीधा आपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लाइन में जोड़ दिया, और आपने वो जो जमीन जो कॉरपोरेशन के अधिकार थी वो आज ने आप तक नहीं दी, तो आप तो वो भी खा गए। आप बोलोगी, चलो वो भी छोड़िए, आपको पता होगा जो बेचारे गरीब जो झाड़ू मारते साफ सफाई, इनके लिए स्टाफ क्वार्टर, इनको पक्का घर मिले, जिस मोदी जी का आप नाम ले, उनका ही सपना कि हर आदमी को घर मिले। आपने आज से 15 साल पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 2200 मीटर जमीन रजिस्टर्ड करके दिए एमिनिटी स्पेस के अंदर, और उस पर प्लिंथ भी आपने बनाए। अब आप पथ पे आए तो सारा भूल गए, वो भी आप डकार मारा, ये भी जरा आप जरा सोनम बिल्डर का क्या बोलते कारनामा बताइए। इतना भी नहीं हो तो ये भी बोलेगा कि हमने जितने प्रोजेक्ट बनाए, जिस प्रोजेक्ट में मैं रहता हूँ आपकी गोल्डन नेस्ट में, वहाँ आपने बनाया 2000 में, वहाँ पे कम से कम बहुत बड़ी संख्या में यूएलसी के फ्लैट है जो आपने भाड़े पे देके भाड़ा खा रहे हो, सरकार का पैसा किसका है? सरकार का, भाड़ा भी सरकार, लेकिन आप खा रहे हो। ये भी सोनम बिल्डर का जरा बताइएगा कि हमने आज तक यूएलसी के फ्लैट नहीं दिए। अगर आपको याद नहीं आता, जो पिछले दिनों एक मर्डर हुआ था मीरा रोड के अंदर, गीता सोसाइटी के अंदर, वो भी फ्लैट यूएलसी का था, जो आपको अधिकार नहीं था, आप पे एक्चुअली क्रिमिनल केस फाइल होना चाहिए। सरकारी फ्लैट आपने भाड़े पे कैसे दिया, लेकिन आपने पुलिस को दबा के मैनेज करके उस केस को दबाया। वो सरकार का फ्लैट था, मैं बोलता नहीं हूँ इसलिए कुछ बोलना नहीं, और मैंने पहले ही आपको कहा था
कि फटे में टांग अड़ाना नहीं, आपके घर तो शीशे के नहीं, जिधर पत्थर मारो फूटने वाला है। इसलिए कम से कम आप तो ना बोले, इतनी तो नैतिकता रखे। और भ्रष्टाचार की बात, भ्रष्टाचार आपका बहुत सारा है, मैं आज मैंने सोचा था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था और मैंने अपने भाषण में भी कहा था, आप बीजेपी का सारा लोग इन सबसे बचने के लिए, और आपने मुझ पर आरोप लगा के अच्छा ही किया, कम से कम मेरी वो लक्ष्मण रेखा भी निकाल दी। अब तैयार रहिए, मैं शुरुआत के लिए आपको बोलता हूँ, आपने जितने पोल लगा के फोटो लगाए ना आपके बड़े बड़े लाइट वाले, वो पोल की कीमत उसी कंपनी में आप पूछ लीजिएगा, शायद आपको तो इतनी भी नॉलेज नहीं होगी, उसी कंपनी में फ़ोन करके पूछिएगा सोनम बिल्डर के नाम से, बोलेगा 5,90,000 और आपने 13-13 लाख में लगाए, मतलब एक एक पोल के अंदर 70% भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार नहीं, भ्रष्टाचारी नहीं, महाभ्रष्टाचार भी छोटा होगा, बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार आपने किया। तो आपके स्कैम बहुत सारे हैं, मैं आके बताऊंगा, ये 22 करोड़ का मेट्रो करोड़ जो भूमि पूजन किया था, किसने लिया पैसा, किसने लिया, कहाँ पहुँचाया, सब पता है। तो एक बार मुझे आने दीजिए, आपको तो बाद में निपटूंगा, पहले इनको निपटा दो, फिर आपसे आके मिलूंगा मैं एक बार। तो मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि दोनों विधायक जो है, इनको शहर का नॉलेज भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। रोड जो डीपी रोड है, कॉरपोरेशन को 7 कॉरपोरेशन लेने को तैयार नहीं, चाहिए तो आपके सामने 1-to-1 कमिश्नर साहब बैठे, बोले हमारे पास पैसा नहीं देने के। दो नियम, ये नियम मैंने नहीं बनाए, कई सालों से कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी रही हो, कोई भी रही हो, मोदी साहब ने तो उल्टा और पैसा बढ़ाया। इसके अंदर दो नियम, आइधर TDR ले लो या जमीन के पैसे ले लो, दोनों में एक चीज़। हमने कॉरपोरेशन को कहा है कि भाई हमारे को TDR नहीं चाहिए, क्योंकि TDR लेते तो आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा दो, TDR में घोटाला है, इसलिए कहा कि भाई जमीन ले लो, पैसा दे दो, जो नियम के हिसाब से जो गाँव के लिए, वही आप लेने को तैयार नहीं, आपने कहा पैसा नहीं, तो कंपनी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप ऐसे ही ले लो हमारे पैसे, बाद में जब कॉरपोरेशन को किसी कंपनी को भरना है उसमें एडजस्ट करना, आप वो भी तैयार नहीं हो। कॉरपोरेशन को ये भी कहा ठीक है आपको ये ज़मीन चाहिए, आप ये ले लो बदले में दूसरी दे दो, आप उसमें भी तैयार नहीं, तो फिर क्या चाहिए आपको? तो गीता जैन जी फिर और सरनायक जी, आप अपनी ज़मीन दे दीजिए ना, ये तो लेने को तैयार नहीं, हम तो देने को तैयार है। तो आप शहरवासियों को गलत अफवाह ना फैलाएं, आप इससे अच्छा ये ध्यान दें कि मीरा भाईंदर में पानी कितना, खैर आपको तो ये भी नहीं पता होगा कितना MLD पानी है, क्या पूछूं आपको, छोड़िए मैं ही करता हूँ, मेरे को ही करना पड़ेगा, आपसे वो भी नहीं होगा, मैं करूँगा शहर के लिए।